मेरा नाम श्रीमती रतनबाई है, मैं ग्राम सगौर की रहने वाली हूँ। पहले यहाँ पे हम सभी बहने मजदूरी करते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे और गैरतगंज बेचने जाते थे गट्ठा लेके मोरे, तो वहाँ से हम 120 130 रुपए की बेचते थे, उसी से हम गुजारा करते थे। हम फिर समूह बने तो उसमें बचत के लिए हम 10 रुपए जमा करते थे। पशुपालन विभाग से एक योजना मिली हमको, उसमें मुर्गी पालन के लिए, फिर हमने हम भोपाल को ट्रेगन को गए, 21 दिन बैन है तो कौशलपुर भोपाल से आए सर, वहाँ हमको ट्रेगन दी, 6 दिन की ट्रेगन दी महेंद्र डॉक्टर ने सर। भोपाल से हम वापस आए, ट्रेगन करने गए थे, वहाँ से हम वापस आ गए, फिर हमारे सेट बने मुर्गिन के, फिर उसमें केज आए, केज भर धरे, फिर दोबारा हमने ट्रेगन लई 6 दिन की, फिर पूनम से हमें मुर्गी आई, 180 मुर्गी केज में आ गई। हम सुबह सुबह सभी बहन हैं 6 बजे उठ के उसका उसको दाने देते हैं, पानी देते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, और जो भी मुर्गियाँ बीमार होती हैं तो वो अगल जान पड़ जाती हैं, चुनने नहीं आती, पानी नहीं पीती हैं, उसकी केसर काली रंग की पड़ जाती है, जुकाम होता है तो उनके आंसू से भरे रहते हैं आँखों में, तो हम पहचान लेते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब को फोन लगाते हैं, तो वे आते हैं तो मुर्गियों को इलाज करते हैं। फिर हम एक अंडे इकट्ठे करते हैं, जैसे मुर्गी 140 भी आते हैं, 150 भी आते हैं, तो हम सभी बहनें अंडे इकट्ठे करके प्रेम भाई के घर इकट्ठे करते हैं। हमारे पास पासबुक भी है, उसमें हम एंट्री करवाते हैं कितने अंडे आज के हैं कितने काल के हैं, वो हमारे पास फिर रखते हैं। हमें दाना DPIP कंपनी से मिलता है और हम सभी बहनें अंडे को इकट्ठे करके गढ़ी, एक हमारी सोसाइटी है उसमें हम जितने गांव में केज है मुर्गी पालन है सभी बहनें इकट्ठे करवाती हैं, और फिर हमारा 8 दिन में उसका पेमेंट हो जाता है। सभी बहनें हम बैठक भी करते हैं तो बैठक में सभी बहनों को पेमेंट कर देते हैं। अब हमें रोज प्रति दिन हमें एक जगह मजदूरी मिल गई है, हम बाहर मजदूरी के नहीं जाते हैं, अब मुर्गी पालन मिल गई है हमारे लिए, तो उसी की सेवा कर रहा है, और मजदूरी हमें रोज प्राप्त है 120 125 ऐसे हमें रोज मिलते हैं। मेरा नाम HK दीक्षित है, मैं पशु चिकित्सा सेवा रायसेन से DPIP प्रोजेक्ट में प्रतिनिधि के काम कर रहा हूँ। 7 दिन के लिए हमने अलग अलग बेस बनाया, बेस तैयार करके क्रम से गांव वाइज जो है ना हमने ट्रेनिंग के लिए हितग्राहियों को भेजा, ट्रेनिंग करके हितग्राही आए, इसके बाद में जो है ना परियोजना ये विभाग से हमारे पशु चिकित्सा विभाग से हमारे ग्राम उत्थान समितियों के माध्यम से हमारे ग्राम उत्थान समितियों खाते में शासकीय जो पैसा था इसमें रूरल पोल्ट्री के लिए वो खाते में प्रदान किया गया। पहली राशि जो हमें प्राप्त हुई थी उसमें हमें केज के लिए शेड बनाना था, तो हमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से 30,000 रुपये की राशि उपलब्ध हुई थी, उसमें 30,000 रुपये में हमने जो है ना प्रति हितग्राही शेड निर्माण करवाया। इसके बाद में केज के लिए, केज यहाँ लोकल बनते नहीं थे तो केज के लिए बाहर से कंपनी जो थी नासिक से कंपनी आई, नासिक की कंपनी को टेकर लिया गया, वो उस कंपनी ने पूरे के पूरे केज बनाए, सारे केज हमारे तैयार हो गए थे जून के महीने तक। जब जून के महीने वहाँ केज तैयार हो गए तो हमने उसमें फिर सोलर लाइट का प्रावधान था, तो सुषमा मैडम द्वारा जो है ना सोलर लाइट के लिए कुछ राशि प्रदान की गई थी, तो उस राशि से हमने पूरे सभी शहरों में एवं बचे हुए शहर के हिसाब से गांव में हमने सोलर लाइट की पूरी व्यवस्था की। इस समय हमारे पास में 3-4 गाँव में मुर्गियाँ उपलब्ध हो गई है, जिसमें 3 गाँव में लगातार अंडा उत्पादन शुरू हो गया है। अब तक लगभग हमारे पास में 3.5 लाख अंडे उत्पादन हो के आ चुके हैं। आज वर्तमान में हमारे सभी केजों में बढ़िया अंडा उत्पादन हो गया है, लगभग 150 से ज़्यादा भी अंडे हमारे यहाँ एक केज से आ रहे हैं, और पहले क्या दाने का रेट कुछ हाई था जब बाहर की कंपनियों से ले रहे थे, परंतु अब ये DPIP के माध्यम से लवकुश क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी है वहाँ से हम दाना बुलवा रहे हैं, वो दाना हमें जो है 18 रुपये के आसपास पड़ रहा है, तो हम दाना लवकुश कंपनी से लेके हमारी जो कंपनी है सांची स्मार्ट होल्डर अंडा उत्पादक कंपनी लिमिटेड जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है उस कंपनी के नाम लेते हैं, और उससे हमें ग्राहियों को दाना भाड़ा सहित जो है ना मिला के 18 रुपये में ग्राही रहे हैं। साथ में अंडा उत्पादन बढ़ा है हमारा,
दाने का रेट कम हुआ है। आज वर्तमान में हमारे हितग्राहियों को लगभग 600 से 1500 रुपये तक का एवरेज कोशिश की जा रही है। कभी दाना 360 रुपये का लगभग एक सेड में दाना खर्च हो रहा है और 600, 650, 590 रुपये के एवरेज जो है ना 4 रुपये के आसपास हमारा एक अंडा आज वर्तमान में बाजार में बिकने लगा है। तो हम अभी हमारी व्यवस्था के हिसाब से लगभग 200 रुपये 250 रुपये से ऊपर हम प्रति हितग्राही लाभ देने की स्थिति में आज बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर डी एस तोमर, उप संचालक पशुपालन विभाग जिला रायसेन पदस्थ हूँ। हमारे जिले में ये स्मार्ट पोल्ट्री होल्डर प्रोजेक्ट को लिया गया है रायसेन जिले के गैरतगंज विकासखंड में। विकासखंड के 7 ग्रामों में 199 महिला हितग्राही जो कि बीपीएल की हैं उनका चयन किया गया है। इन्हें भोपाल में 6 दिन का अपन ने प्रशिक्षण भी दिलवाया है, कुक्कट इसका प्रशिक्षण, मुर्गियां कैसे पाली जाती हैं उनका रखरखाव। उसके बाद फिर इनका 6 दिवस का रिफ्रेशर का कोर्स किया गया है। और ये जो महिलाएं हितग्राही हैं वो बड़े अच्छे से फिर उनका उनके गाँव में उनके केज बनवाए गए, शेड बनवाए गए, शेड के बाद फिर उनके केजेज बनवाए गए। केजेज के लिए अपन ने पूना से जो विभाग द्वारा टेंडर किए गए थे, पूना की कोई कंपनी है उसके द्वारा बनवाए गए, तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के केजेज बने हैं। उसके बाद फिर अपन ने मुर्गियाँ वेंकटसरा जो हैची कंपनी है, जो एशिया की मानी हुई हैची कंपनी है, वहाँ से अपन ने बर्ड्स उड़वाई। एक हितग्राही को 180 बर्ड प्रदाय की गई हैं। अब चूंकि अभी उनका अंडा उत्पादन शुरू हो गया है मुर्गियों का, अभी प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार मुर्गी अंडा उत्पादन हो रहा है और उससे कम से कम प्रति हितग्राही 400-500 रुपए उनको लाभ हो रहा है। इन्हीं 199 जो महिला हितग्राही हैं इनके द्वारा सांची एग प्रोड्यूसर कंपनी का एक गठन किया गया है। यही कंपनी एग परचेज कर रही है, यही इनको दाना उपलब्ध करा रही है। स्मार्ट पोल्ट्री होल्डर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें जिले में DPIP हमारे जो चल रही है उसका बड़ा सहयोग रहा है। इसमें इस परियोजना को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज केंद्रीय सचिव भी भ्रमण कर गए हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट की बड़ी तारीफ करी है और उन्होंने जिला प्रबंधक इस DPIP के उनको बताया भी है कि ऐसे ही प्रोजेक्ट करीब 2000 महिलाओं को और बना के पेश करें तो जिससे और आगे अपन महिला हितग्राही लाभान्वित हो। और इसके अलावा प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग माननीय श्री प्रभांशु कमल साहब, हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर आर के रोकड़े साहब जो कि संचालक हैं पशुपालन विभाग के, उन वो भी भ्रमण करके देख के गए, उन्होंने काफ़ी इस प्रोजेक्ट को सराहा है। इसके अलावा कमिश्नर भोपाल संभाग श्री SB सिंह साहब, हमारे कलेक्टर साहब श्री JK जैन साहब, हमारे जिला पंचायत CEO श्री अनुराग चौधरी साहब, उन लोगों ने निरंतर देखते हुए इसका काफ़ी तारीफ की है इस प्रोजेक्ट। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रोजेक्ट को और भी जो दूसरे ब्लॉकों के लोग देख के गए हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो भी लाभान्वित हों BPL परिवार, तो हम सोच रहे हो और हमारे जो शेष 6 विकास खंड हैं उनमें भी ये प्रोजेक्ट अपन